कांग्रेस की आवाज न्यूज में आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल है। अभी हम नेहरू पार्क, जो अकोला शहर के अंदर नेहरू पार्क चौक है, उसके नेहरू पार्क के सामने बिल्कुल हम खड़े हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि ये टैंक आप देख सकते हैं, जो भारत और पाकिस्तान युद्ध में जो हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध में इस टैंक का इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं बहुत मजबूत ये टैंक है, बहुत भारी टैंक है। इसकी जो हम बॉडी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मानो एक फौलाद हो, इस टाइप से इसकी बॉडी यहाँ पे दिख रही है। और ये टैंक आया है, बताया जा रहा है कि ये टैंक जो आया हुआ है हमारे पूना से, टैंक यहाँ पे पूना से यहाँ पे रखा गया है इस टैंकर को, और ये हमारे अकोला शहर की शान बनेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काम चालू है, इसलिए यहाँ पे रखा जाएगा। हम बताएंगे आपको, हमारे कैमरामैन से बोलेंगे हम कि ये जो जगह है, इस जो टैंक आपने अभी देखा वो टैंक को इस जगह पे नेहरू पार्क चौक में रखा जाएगा। लोगों के जो है आकर्षण का केंद्र ये होगा, लोग यहाँ पे आके जो है हमारे भारत पाकिस्तान युद्ध की निशानी जो है हमारा टैंक उसे देखेंगे। यहाँ पे वो टैंक रखा जाएगा और इसका भी जो है काम चालू है, इसको लेवल करना चालू है, जिसके बाद में इसको बराबर से करके वो जो टैंक हमने देखा उसे यहाँ पे रखा जाएगा। अभी हम आपको टैंक के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हम जो है ये टैंक यहाँ पे किस तरह से है। यहाँ पे हम जनता से भी बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ये टैंक की जो बॉडी है बहुत मजबूत बॉडी है, यहाँ पे तो है ये फौलाद, एकदम चेन जो है इसकी बहुत मजबूत है। कहाँ रहते तुम? खड़की। खड़की रहते? क्या लग रहा है अभी अकोला के अंदर ये जो टैंक आया इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे तुम? पहली बार आया है। कैसा लग रहा तुमको? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा। और क्या बोलना चाहेंगे? अभी जैसा ये आकर्षण का केंद्र बनेगा, नेहरू पार्क के चौक पे लगेंगे तो क्या लगता है? अच्छी बात है। अच्छा लगेगा। क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया काम हुआ एकदम। ऐसा? तो ये जो टैंक है अभी हमारे शहर में, अकोला शहर में आया हुआ है। हाँ। और इससे जो है हमारे शहर के अंदर चार चांद लगेंगे, ऐसा लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे आप सरकार की, जनता को क्या कहना चाहेंगे कि अकोले का सौंदर्यीकरण होना चाहिए? बहुत बढ़िया सौंदर्यीकरण होना चाहिए। क्या बोलेंगे भैया? बराबर, ये जो बात कही सर ने बहुत अच्छी कही है। अकोला का सौंदर्यीकरण तो होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि अभी तक तो अपने अकोला में रास्ते भी बरार नहीं थे, अभी सब बरार हो रहा तो बहुत अच्छी बात हो रही है। ये जो टैंक आया हुआ है, इस टैंक के बारे में आप क्या बोलेंगे? आइए उधर टैंक के पास में आइए। इस टैंक के बारे में आपका बोलना क्या है? अभी टैंक का तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। टैंक आया हुआ है, ये जो भारत पाकिस्तान युद्ध में शामिल था, पूना से इस टैंक को एक ट्रक में लाया गया। और ये ट्रक में लाने के बाद चार जो क्रेन होती है, चार क्रेन के माध्यम से इसे यहाँ पे उतारा गया। बराबर है ना? कल लाया गया ये, वह था यही पे था मैं। अच्छा, तो क्या किस प्रकार से यहाँ पे इसका स्वागत किया गया? स्वागत का तो मालूम नहीं, जब आया था तो हम यही पे थे, उसके बाद में हम फिर काम से चले गए तो उन्होंने उतार लिया, चार क्रेन के माध्यम से उतारा गया ये। क्या बोलते हैं आपका बोलना क्या है? नहीं, अच्छी बात है ना ये, ये कम से कम दिखेगा तो बहुत बढ़िया है। हुतात्मा स्मारक भी है और उनसे रिलेटेड है, मिलिट्री की चीज है, अच्छी बात है। हुतात्मा पार्क है, उससे रिलेटेड ये जो पार्क के अंदर हमारा जो टैंक आप देख सकते हैं, फौलाद टैंक, इसमें देख सकते हैं आप डीजल की टाकिया यहाँ पे छोटी छोटी दिख रही है, चारों ओर चार टाकिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पाइप के माध्यम से जो है डीजल वहाँ पे जाता था। आप इधर भी देख सकते हैं कि इसके माध्यम से इसमें डीजल भरा जाता होगा, जिसके माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टैंक हमें दिख रहा है। टैंक का नंबर 231 है और इसका दूसरा नंबर 1542 है, 40 नंबर टैंक है, जो हमारी इंडियन आर्मी जो है इसे यूज करती थी, जो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक मैडम आए हुए, इनसे पूछेंगे हम, आपका क्या बोलना है इस टैंक के बारे में? मुझे तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी ये टैंक आया आप अपने अकोला शहर में, तो कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं देखने के लिए आया आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि कैसा है क्या है, इसकी जानकारी लेना चाहती हूँ इसके। तो ये देखिए जो है जनता भी जो है आगे नेहरू पार्क के सामने यहाँ पे पहुँच रही है, ये टैंक का जो है दीदार करने के लिए अकोला शहर के वासी पहुँच रहे है, जो हमारे लिए आकर्षण का केंद्र है। और ये टैंक को दूर दूर से देखने वाले, फोटो उतारने वाले आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसे यहाँ पे जो है रखा जाएगा, इसे बड़ी मुश्किलों से इसके ऊपर चढ़ाया जाएगा, ऐसे इस टाइप से इस पर चढ़ाया जाएगा, वो भी एक देखने वाली बात है। और अकोला की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, ये जो मिली है यहाँ पे टैंक बहुत मजबूत टैंक है और हमारा एक विजय टैंक है, ये हमारे देश की बहुत अच्छी निशानी है, हमारे देश के हमारे वीर जवानों का जो है ये टैंक, बहुत हिफाजत इसने किया। यहाँ पे देख सकते भैया जो खड़े, इनसे पूछे क्या बोलना है आप? नमस्ते, बहुत अच्छा लग रहा है। ये टैंक जनरली अपन ने सिनेमा में ही देखा है, लेकिन अभी असल में देखने को मिल रहा है तो एकदम गुड फील हो रहा है। आप कह रहे थे?
अकोला में रहता हूँ मैं अभी। कैसा भी अकोला शहर में ये एक आकर्षण का केंद्र रहेगा नहर के पास में, तो क्या लगेगा? अच्छा लग रहा है कि लड़ाई का माहौल तो नहीं है नहीं है माहौल, लेकिन ये हमारे देश की निशानाश्कार है जो हमारे शहर में अब आया है। बहुत अच्छी बात है, हमारे अकोला शहर से जिले से कई वीर जवानों ने शहीद हुए है, जिसके बाद आज हमें ये जो है टैंक मिला है, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे आपको क्या, आपका जनता को बोलना क्या है? यहाँ पे जो टैंक है उसे आके देखना चाहिए, लोगों ने आके देखना चाहिए, इसको महसूस करना चाहिए, और अपने जवान किस परिस्थिति में दुश्मनों से लड़ते हैं वो भी उन्होंने फील करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बोले। टैंक के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर बैठने की जो है वहाँ पे बहुत नीचे जाता है, किस तरह से लोग बैठते हैं, कितनी से वहाँ पे रहते हैं वीर जवान, जो बहुत सोचने वाली बात है। तो हमारे कैमरामैन को बताएंगे कि इसके अंदर जो है टैंक के अंदर यहाँ पे साइड में आप बॉक्स देख सकते हैं, ये बॉक्स किस लिए होगा, ये हथियारों के लिए, जिस लिए भी यहाँ पे भी आप बॉक्स देते हैं, अंदर भी बहुत सा आप, ये बहुत भारी बॉक्स है, ऐसा सादा बॉक्स नहीं, एकदम इसको उठाने के लिए बहुत ताकत लग रही है। एक बॉक्स इतना यानी भारी है, तो आप सोचिए कि टैंकर कितना फौलाद के जैसा है। इसका जो लोहा देखेंगे आप, तो ये लोहा बहुत भारी लोहा है। इसकी चेन देखेंगे आप, तो इसकी चेन भी बहुत भारी चेन है, आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे ये जो व्हील है, व्हील ये टायर लगे हुए है, जो सोचने वाली बहुत बड़े के बहुत भारी तरह से लाने के लिए, तो बहुत ही करना पड़ा होगा, बहुत सोचना पड़ा होगा किस तरह से लाया गया होगा। यहाँ पे एक दोस्त है, क्या बोलना है आपका इस टैंक में? मेरा नाम एडवोकेट मिलिंद बोलके है। ये जो टैंकर है, ये जो सैनिकों की मिशन के लिए वापरा, और ये आज अकोला शहर में आए, तो मैं अभिनंदन करता हूँ जो है ये मूल अकोला शहर में इसका विकास होना, विकास कौन से बहुत अच्छा है। एक अपन बोल सकते कि एक अकोला के लिए युद्ध के लिए वापरते, वो चीज कितनी पावरफुल है, ये मैं अकोला वासी अच्छी बात देने के बाद युद्ध में वापरा है वो से हम इस हाथ लगा के छू के टैंक होनी में प्रकार जवाते इस टैंक को बेबाद महसूस हो कितनी ताकत चला ले, कितने ताकत है। तो बने रहिए हमेशा अंग्रेज के न्यूज में, आइए के लिए नेहरू पार्क के सामने ये टैंक लगा हुआ है, गर्दी ना करे, किसी पार्क परेशानी ना करे, और देख के अपने घर पे जाइए। और कमेंट में नीचे बताइए इस टैंक के बारे में आपका क्या कहना है। हमारे थैंक्स रहने, थैंक्स के बटन पे जाके आप हमें सपोर्ट भी करते हैं, और इस चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लोगों तक अकोला शहर की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाए, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम व्हाट्सएप और फेसबुक की, उस पर जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, बने रहिए अंग्रेज की आवाज न्यूज के साथ में। जय हिंद। We'll be right back.